Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So I'm here with another video. Hope you guys are doing great. आप लोगों का welcome है मेरे YouTube channel में, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe करें, video को thumbs up करें and don't forget to press the bell icon ताकि मेरी सारी new आने वाली videos आपको instantly मिलती रहें. Let's begin with the video. और ये video भी बहुत interesting होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने कुछ dresses order किए थे. I thought कि मैं उसको unbox करूँगी with you guys, तो ताकि हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या order किया था और ये किस तरह उसका turn out होता है. I just love the dresses जो भी मैंने order की, आप लोग भी देखें. And one more thing कि आजकल Sapphire पे sale चल रही है तो आप लोग इसको बहुत मज़े से avail कर सकते हैं and you guys get these pieces in huge discount. तो आप लोग उस discount को avail कीजिए और ये वाले dresses आप भी ले सकते हैं. तो let's check it out and let's start with my video कि हम देखते हैं कि मैंने क्या order किए थे and I am just going to show you all. So stay connected and फौरन से video को thumbs up कर. सो गाइज, ये है पार्सल जिसको मैंने ओपन तो कर लिया था मगर जिसके अंदर ड्रेसेस थे उनको अनपैक करके नहीं देखा था, उन्हें ओपन नहीं किया था. सो ये जो पहला ड्रेस है ये इसमें मैंने तीन ड्रेसेस जो थे वो ऑर्डर हुए हुए थे. दो एम्ब्रॉयडर्ड थे हैवीली, मीन टू से कि चिकनकारी वाले एम्ब्रॉयड्रीज थी उन पर, बहुत ही प्यारे थे, और एक उसमें प्रिंटेड था. सो यू गाइज कैन सी कि ये तीनों ड्रेसेस थे विच आई गॉट देम फ्रॉम द सफायर. उसके बाद अभी मैं आपको इनको सब वन बाय वन करके दिखाऊंगी एंड दिस इज़ द क्लोज लुक. आप लोग देख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे. अभी मैंने इसको आपके साथ ही अनबॉक्स करना है. तो ये इसकी सारी डिटेल्स हैं के बारे में कि ये टू पीस था एंड दिस वन इज़ ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. इसकी सारी पीसेस थी और ये इसकी प्राइस थी. एंड ये ब्लैक वाला जो कि पोस्टर डिज़ाइन था एंड दिस वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल आउटफिट. उसके बाद अभी तो मैंने जस्ट इसकी ये पिक्चर देखी थी, कैटलॉग पिक्चर, और इसको अभी मैंने ओपन किया है एंड दिस वन इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल ड्रेस. तो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, दैट वॉज सो प्रिटी. और क्योंकि ऑर्गेन्जा के जो दुपट्टे हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में हैं एंड जो ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं उसकी ब्यूटी को, तो आप लोग देख सकते हैं ये ड्रेस एंड आई जस्ट लव दिस वन. और आप लोग देखें कि एंड इसकी जो ये सारी एम्ब्रॉयड्री थी दैट वॉज रियली फाइन एम्ब्रॉयड्री और बहुत ही खूबसूरत. ये इसकी शर्ट का फ्रंट था एंड ये इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है. आप लोग देखें, ये दुपट्टा बहुत क्यूट सा था, मल्टी कलर्स का था जिसको आप पेयर अप कर सकते हैं अपनी और भी शर्ट्स के साथ. और आप लोग इसका क्लोजअप देखें, दिस आउटफिट इज़ एक्सट्रीमली गॉर्जियस. ये इसकी स्लीव्स, ये सारी चिकनकारी वाला इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी एंड चिकनकारी तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. आई जस्ट लव दिस थिंग कि मुझे भी इस टाइप की चीज़ें नज़र आएँ तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं. लोग देखें, ये टोटली डार्क ब्लैक था लेकिन इसके अंदर अभी ये आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ग्रेइश लग रहा होगा बिकॉज वो लाइट की वजह से. एंड ये इसका दुपट्टा है, दिस वॉज द अनस्टिच पीस और थ्री पीस ये ड्रेस था. इसको आप लोग क्लोजअप भी देख सकते हैं, मैंने इसको फुल ओपन कर दिया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगी किस किस्म का आउटफिट है. दिस वॉज सो गॉर्जियस एंड ये इसके साथ प्लेन इसकी बैक एंड इसका प्लेन ट्राउजर था और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. वैसे आई वॉज थिंकिंग कि दिस ड्रेस कैन बी मेड ईजीली क्योंकि हम अगर इसको डी आई वाई करें तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आप इसको डू इट योर सेल्फ भी डिज़ाइन कर सकते हैं. यू गाइज नो कि ये वाली चीज़ मार्केट्स के अंदर ईजीली अवेलेबल होती है एंड इफ़ वी गेट द ऑर्गेन्जा दुपट्टा तो इसी टाइप की लुक आएगी. आप लोग देखें दिस थिंग, तो इसकी लुक सेम आएगी और आप लोग देख सकते हैं इसका क्लोजअप, ये बहुत ही प्यारा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड ब्लैक तो वैसे ही हर किसी का फेवरेट होता है. दिस वॉज द पोस्टर ड्रेस जो कि डिज़ाइन काफ़ी इसका फेमस था एंड जिसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे. और इसको मैंने बाद में जब चेकआउट किया तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं था, मतलब इतना डिमांडिंग था ये आउटफिट. तो इसको जो है अभी आप लोग जाके सेल्स में चेकआउट करें, मे बी इफ़ यू गाइस कैन गेट इट तो हो सकता है आप लोगों को मिल जाए. आप लोग जाएँ और इसको चेक करें एंड दिस दुपट्टा इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द ड्रेस. और इसके साथ जो है, अच्छा इसकी जो
पिक्चर है, इसमें आप लोग देखें कितने क्यूट से इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं। तो अगर इस दुपट्टे के ऊपर इस तरह से कॉर्नर्स बना लिए जाएं तो ये बहुत ज़्यादा इसकी लुक चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी तो एक स्ट्रेट सा है। तो दुपट्टे के लिए आई विल प्रेफर द सेम डिज़ाइन, ताकि इससे वो उसकी जो एक लुक है वो पूरी आ सके। और ये ड्रेस जो है मेरी एक फ्रेंड का ही है, दैट ब्लैक वन, तो उसने मुझे कहा कि मैं उसे यहाँ से स्टिच करा के भेजूँ, बिकॉज शी लिव्स अब्रॉड, वहाँ पे उसे थोड़ा स्टिचिंग की इतनी फैसिलिटी नहीं है। सेकेंड वन जो है वो ये वाला है, और ये वाला भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके कलर इसको पिक्चर में देखा तो आई थॉट कि ये कुछ ज़्यादा ही डार्क है, बट इसको जब मैंने ओपन करके देखा दैट फैब्रिक लुक्स वेरी सॉफ्ट, इसके कलर्स बहुत ही सॉफ्ट थे, एंड इसमें जो कॉम्बिनेशन है कलर कॉम्बिनेशन वो भी काफ़ी प्यारा है। और इसकी एम्ब्रॉयडरी लुक देखें कि दैट इज़ क्रीम बेज टाइप एम्ब्रॉयडरी, तो वो बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये ड्रेस भी कटवर्क में ही है, जो कि जो इस तरह का होल्स वाला फैब्रिक होता है, तो ये भी वो है। एंड इसका दुपट्टा इज़ वेरी यूनिक, इसका दुपट्टा जो है वो टू टोन के अंदर है। अच्छा, दिस इज द होल लुक ऑफ द शर्ट, और इसकी शर्ट जो ये टेक्सचर्ड लॉन है, ये प्लेन लॉन नहीं है, इसके अंदर टेक्सचर है फैब्रिक के अंदर, लाइक सेल्फ जो होता है फैब्रिक। तो आप लोग इसका जूम क्लोजअप लुक्स भी देख सकते हैं, इसमें काफ़ी प्यारे से कटवर्क्स थे, एंड ये इसका बॉर्डर था पूरा, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका सारी एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी फाइन सी थी, वेरी लाइट, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, क्योंकि सफ़ायर का फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। तो ये समर्स में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये दुपट्टा देखें, दिस दुपट्टा इज़ ऑल्सो वेरी गॉर्जियस, तो ये टू टोन में था, एंड दिस क्रीम पिंकिश ट्राउज़र जो इसके साथ दिया हुआ था, और इसका मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। जो उसकी पिक्चर के कलर्स हैं वो काफ़ी ब्राइट है, एंड ये काफ़ी सॉफ्ट प्रिंटेड बैग दी हुई थी, वैसे आई थॉट कि इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड बैग होगी, मगर उस पर मैंशन नहीं था। सो इसका फ्रंट लुक जो है ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, दुपट्टा भी उसमें 2-3 टोन के शेड्स आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दुपट्टे की बाउंड्री भी बनी हुई है, तो वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी स्टिचिंग के बाद आई थिंक लुक बहुत अच्छी हो जाएगी। आई विल शेयर द फाइनल लुक विद यू। और ये भी मुझे लगता है कि मैंने बाद में वेबसाइट पे जब देखा तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही लुक किस तरह से स्टिच हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ ब्लेंडेड सा दुपट्टा है, और दुपट्टा भी बहुत अच्छा है, अभी मैं इसको देख रही हूँ तो ये भी काफ़ी डिसेंट सा है, और समर्स के लिए परफेक्ट है। वैसे भी फ्लोरल प्रिंट्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आजकल सभी ब्रांड्स इसको काफ़ी इसमें चेंजेस करके इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो वो बहुत क्यूट लग रहे हैं। ये इसकी शर्ट है, और इसका कलर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, काफ़ी डिफरेंट सा इसका कलर है, ग्रे सा, एंड इट हैज़ ब्लैक दुपट्टा, तो उसका दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है, और उसकी कलर कॉम्बिनेशंस, एंड ये बॉर्डर वैसे मुझे पिक्चर में कहीं नज़र नहीं आया था, तो आई थॉट कि इसका बॉर्डर नहीं है, मगर रियल में इसका ये बॉर्डर भी है, जो कि बहुत अच्छा है। वो इसको स्टिचिंग के लिए हम इसके बॉर्डर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका दुपट्टा आप लोग देखें, ये बहुत ही प्रिटी है, और आई जस्ट लव दिस वन, ये काफ़ी सिंपल सा है, जो कि समर्स में बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, क्योंकि एम्ब्रॉयड्रीज तो ऑल टाइम नहीं पहनी जाती, तो कुछ ऐसे ड्रेसेस भी होने चाहिए जो सिंपल हो, प्रिंटेड हो, और आपको कूल सी वाइब्स दें। तो ये इसका दुपट्टा है, और ये लुक है इन ड्रेसेस की। तो जी गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेल चल रही है सफ़ायर की, और मैंने आप लोगों को बताया, और जो अभी अभी मैंने आप लोगों को अनस्टस पीसेस दिखाया, लकीली वो सेल में अवेलेबल है, मतलब कि इससे ज़्यादा मज़ेदार बात क्या हो सकती है। ये देखें, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ लाइव, ताकि जो है आप लोग ये ना सोचें कि हमें नहीं मिलते। तो मुझे इनमें से कुछ सूट्स बहुत अच्छे लगे, ये देखें, ये ब्लैक वाला भी जो मैंने लिया था, और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो आप लोग इसको भी देख लें कितना खूबसूरत। और इसके अलावा इसके साथ वाला ये वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो ये भी जो बहुत ही प्यारा है, आप लोग देख लें। इसमें जितने भी कुछ कलेक्शंस है ना, जो मुझे अच्छी लग रही है, मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और मुझे जो है ये ब्लैक भी ऊपर अच्छा था, शॉल वाला, एंड इसके अलावा ये देखें, ये वाला कितना सस्ता है, जस्ट 1670, और ये ब्लैक भी बहुत अच्छा है, इसके साथ भी शॉल है, जैसे कि विंटर्स चल रही है। ओके जी गाइस, ये मरून वाला ड्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी मॉडल पिक्चर भी बहुत अच्छी थी, और ये असल में भी था, इसकी शॉल बहुत खूबसूरत है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें। तो जी, मैंने यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके लगा
दी है ताकि आप लोग देख सकें लाइव, और आप लोग ये ना सोचें कि ये चीज़ें नहीं मिलती, ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से इस वेबसाइट पे सब कुछ, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए वेबसाइट लगा दी है ताकि आप लोग देख सकें। इसमें बहुत से खूबसूरत पीसेज हैं, जैसे कि ग्रीन हो गया, ऑरेंज भी अच्छा है। उसके अलावा जो आप लोग जाएँ, इसको एक्सप्लोर करें और अपनी चॉइस से चीज़ें देखें और ऑर्डर करें। तो जी, मुझे काफ़ी लोग कॉमेंट कर रहे थे कि आप जो है वो पहले लिया करें कपड़े अनस्टिच, फिर हमें बताया करें। तो इस वजह से मुझे ये मैरून भी बहुत अच्छा लगा, इसको आप लोग देखें अच्छी तरह से। और ये ब्लैक वन जो है ये भी बहुत प्रिटी है, इसकी स्टिचिंग बहुत खूबसूरत है। और ये सारे कपड़े रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, क्योंकि आप लोग चाह रहे होते हैं कि आप लोग भी साथ साथ परचेजिंग करते रहें, तो इस वजह से मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड लगाई है। तो आप लोगों को इस वजह से मैंने अनबॉक्स करके भी दिखा दिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि रियल में ये कपड़े कैसे थे, तो अब ताकि आप लोगों को लेने में आसानी हो।